राज असन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल का रोड शो है। इस दौरान एक वहां पर जनसभा भी चल रही है। इस जनसभा में मनोहर लाल बोल रहे हैं, क्या कुछ कहने सुनते हैं। ये जो पंचगामा है ना, पंचगामा जिसमें गंगा रेडी, पोपड़ा, झिमरी खेड़ा, कोलखेड़ा, बामरेड़ी, भूड़ है, आलन बोर्ड, तो ये जो पचगम्मा है इसके सारे हमारे नेता आए हुए हैं यहाँ, जिसमें बलजीत सिंह जी टूरण, तो इन्होंने बहुत इधर उधर के चक्कर काटे, लेकिन जब पता लग गया कि नहीं असली जगह कहीं और है तो घूम घाम के आए। हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे रिटायर्ड एसडीओ दया सिंह टूरण इधर है, इधर है, देखो ये भी बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं। सरकारी सेवा में होते हुए भी इतने स्वयंसेवी और इतने सज्जन पुरुष हैं। सरपंच हैं कुलदीप टूरण, सरपंच फिर राहुल टूरण पोपड़ा के, प्रदीप सरपंच झिमरी खेड़ा के, फिर कृष्ण सरपंच, अजय सरपंच। जब ये सारे नाम मैं पढ़ रहा था तो मुझे बताया कि ये पचगामा जरूर है, लेकिन इन पचगामों का कुल गांव कोई और ही है, वो है गोंदर। बड़ा गांव गोंदर है ना, गोंदर का भी जब पता लग गया, हमारे वीरेंद्र चौहान कहे कि हमारे गांव के हैं, मैं कभी मारा तेरा के एक ही तो है, तो ये भी अच्छी बात है। और ये सारे अच्छे बड़े गांव जहां से अपनी यात्रा करने का आज ये सौभाग्य मिला मुझे, इस यात्रा को आज खत्म हो गया हमको निसंग में। 55 किलोमीटर की यात्रा है और लगभग 15 गांव इसमें रास्ते में आएंगे। इतना टाइम और जगह तो शायद लगा पाऊं जितना यहां लगाया है, क्योंकि यहां शुरुआत भी करनी थी। और आपकी तैयारी को देख करके सारे नेता गदगद हैं। मैंने कहा भी कोई बोलने की जरूरत नहीं, सारे का नाम मैं भी बोलूंगा। अच्छा भाई बोल लो सारे जितने बोलने। फिर मारा ये भाई नवीन शर्मा पुनिया, नवीन पुनिया कर लगा मैं अपना गीत का लॉन्च भी यहीं से करूंगा, इससे बढ़िया और मिल नहीं सकती कहीं भी ऑडियंस। मैंने कहा भी तो भी कर ले का अपना तो, लेकिन गीत सुन के मजा आ गया। हमारी जीत करनाल की जनता कराए या नहीं कराए, कराए क्या हो, इसने तो आज ही करा दी, आज ही करा दी है। तो भाई बहनों आज इस यात्रा शुरुआत हम कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी इलाके के प्रमुख नेता हैं वो भी साथ चल रहे हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर कार्यकर्ता वो भी साथ चलेंगे, जनता में से लोग चलेंगे इस यात्रा में। साथ चलने वालों में लोकसभा के जो संयोजक हैं, विधायक घरौंडा से हैं हरविंदर कल्याण जी, पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। और हमारे जो और नेता हैं, चाहे उसमें फिर बलजीत तोरण जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बख्शीश सिंह जी हैं पूर्व विधायक, कलीराम जी पूर्व विधायक, जिलाराम शर्मा पूर्व विधायक, हमारे वीरेंद्र चौहान जी, नाम किस किस के लूंगा, नाम बहुत हैं, ये सब रहेंगे साथ में। और हमारी ये जो मीडिया की टोली है, पत्रकार छायाकार बंधु, ये भी साथ हैं। और पार्टी के जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी तो शुरुआत ही कर दी उन्होंने, क्योंकि योगेंद्र राणा जी के योजना के बिना, क्योंकि सारी योजना इन्होंने बनाई है, जो कागज पर चिट्ठा कला कराया इन्होंने कराया, सारा रूट इन्होंने तय कराया, कितने बजे चलना है, कितने बजे नहीं चलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। ऐसी परसों 2 तारीख को यात्रा किस राणा में होगी, फिर बाद में हर 2 दिन बाद एक एक विधानसभा में यात्रा होगी, सभी 9 विधानसभा में यात्रा होगी। इसी बीच में 6 तारीख की जो यात्रा है वो करनाल शहर के अंदर होगी, जिस दिन नॉमिनेशन शुरू किया जाएगा, सुबह 10 बजे नॉमिनेशन शुरू होगा। हमारे मुख्यमंत्री वो भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे भी लोकसभा के नाते अपना नामांकन भरना है, तो वहाँ भी अपने में से 6 तारीख सोमवार सुबह 9:30 बजे तक, 9 बजे तक जो लोग पहुँच जाएंगे, 10 बजे यात्रा शुरू करेंगे और 11:30-12 बजे तक नामांकन खत्म हो जाएगा। तो इन यात्राओं का अपना एक लाभ है। अब यात्रा तो यहीं अपनी बात समाप्त करके एक ही बात कहता हूँ, आखिर मैं यहाँ आया हूँ, पहले तो जनसभाओं में जाते थे,
सब जगह कोई अनाउंसमेंट घोषणा करनी, कोई शिलान्यास, कोई उद्घाटन, कुछ ना कुछ देने के लिए आते थे। लेकिन आज भाइयों बहनों देने के लिए कुछ नहीं आया, आज मैं लेने के लिए आया हूं। क्या लेने आया हूं मैं आज, क्या लेने के लिए आया हूं? वोट। ताइबी का वोट लेने आया। अंगूठा लगाएगी ये वोट पर। तो 25 मई को ये आपने देना है। मशीन होगी, पहले तो मोर लगाया करते, मशीन के ऊपर कमल के निशान के सामने आपने वोट डालना है। तो इस नाते से क्यों डालना है, 5 मिनट बड़ी बात कहता हूं। 5 साल के बाद सरकारों को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होता है। जैसे कोई दुकानदार, कोई अपना छोटा मोटा कोई काम करने वाला, कोई उद्योग वाला, वो अपने लाइसेंस सरकार से रिन्यू कराते हैं। अफसर के पास जाते हैं, रिन्यू कर दो, कहते फार्म भर दे, रिन्यू कर देंगे, जो भी सिस्टम होता है रिन्यू करते हैं। लेकिन ये सरकार चलाना, इसका भी एक 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। इस रिन्यू को कौन करता है, नवीनीकरण इस लाइसेंस का कौन करता है? जनता करती है। तो आपने वोट के माध्यम से इस लाइसेंस को, मोदी जी का 5 साल का अगला लाइसेंस सरकार चलाने का, ऐसे ही हरियाणा में भी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे उस टाइम फिर आपके पास आएंगे। मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काम कर दिए, कांग्रेस पिछले, यानी ये कह सकता हूं कि जब से देश आजाद हुआ 55-60 साल राज उन्होंने किया, एक भी वो काम उन्होंने किया नहीं, बल्कि उन्होंने तो उलझा लिए। जो लोग जानकार हैं उनको पता है कि कश्मीर की समस्या को उलझाया, किसने उलझाया? वो अपने देश का पहला प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक धारा डलवा दी संविधान में 370 की। उस 370 के कारण से जम्मू कश्मीर अपने आप को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं था। मोदी जी ने, अमित शाह जी की जोड़ी ने ऐसा व्यवस्था बनाई कि रातों रात एक निर्णय कर दिया, अगले दिन सवेरे 370 खत्म। आज जम्मू कश्मीर भी ऐसा ही राज्य है जैसा हरियाणा है, जैसा तमिलनाडु है, जैसा आसाम है, जैसे राज्य ये हैं, वैसा ही राज्य जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा बन गया। मुस्लिम महिलाएं, उनकी इतनी पीड़ा थी कि मुस्लिम पति कोई भी छोटा सा कोई पति को कष्ट हो जाए, मानो छोक लगाते समय अगर कहीं छींक आ गई, क्योंकि मिर्च चढ़ जाए और छींक आ जाए और पति को गुस्सा आ गया, तो खाना खाते खाते भी देना तलाक तलाक तलाक, तो पत्नी को अलग कर देता हो, पत्नी को साथ नहीं रखता। ये इतनी दुभात जो थी महिलाओं के साथ, इतना भेदभाव, इतना एक प्रकार से उनका जीवन तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, ये मुस्लिम महिलाओं में चलता था। मोदी जी आने के बाद कहा कि नहीं, इस देश की महिलाओं को अगर मैंने सुखी करना तो मुस्लिम समाज में ये कुरीति है, इसको खत्म करना, 3 तलाक के सिस्टम को खत्म ही करा दिया। हमारी माताएं बहनें रसोई में चूल्हा जलाती थी, मिट्टी का तेल जलाती थी, लकड़ी, गोस्से, उपले, क्या बोलते हैं, गोस्से कहते हैं, यानी धुएं से आंखें खराब, सांस में धुआं चला गया, फेफड़े खराब, कैंसर की बीमारी। उनका हर घर में, हर रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा, और देश में करोड़ों गैस के सिलेंडर उन्होंने पहुंचा दिए। आज कोई रसोई ऐसी नहीं है जिसमें गैस का सिलेंडर ना हो। कितना ही काम गिना सकता हूं, ये काम मोदी जी ने किए 10 साल में, आम आदमी के लिए भी, देश के लिए भी, दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने के लिए बहुत काम किए। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने, चाहे बदलियां हो, चाहे नौकरियां हो, नौकरियां बिकती थी या नहीं बिकती थी, यहां बताओ, बिकती थी ना? कोई नौजवान नौकरी लेना चाहता था, पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, बापू को कहता है बापू किले बेच दे, मां को कहता मां अपनी तो जो टूम है, जेवर है, ये बेच दे, मुझे तो पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। और जब वो नौकरी लेके आता था तो उस बात को कोई आम धारणा भी ये थी, ये नौकरी खरीद के लाया होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं बनती थी। बड़े से बड़ा भी अफसर बन जाता था उसको अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे। आज कोई भी नौजवान जब नौकरी लेकर आता है, कोई उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, मेरिट है तो नौकरी मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। अब जैसे बता रहे हैं कि इनका बेटा सब इंस्पेक्टर लग गया, पहले सब इंस्पेक्टर लगते भी थे
तो उसको अच्छा मान ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे? जरूर समझते थे कि मैं ना कि मैं पीछे देख आया होगा तब लगा होगा, लग जाए तो भी इज्जत नहीं होती थी। आज लगता है तो उसकी इज्जत होती है, भाई जरूर ये होशियार होगा, ये अच्छा बालक होगा। आज इन 10 सालों में लगे हुए नौकरी वाले लोगों की इज्जत भी ज्यादा है पहले वालों के बदले में। आज नौकरी लगने वालों की इज्जत भी बढ़ गई है, उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, भाई जरूर होशियार मिलेगा। और हम महसूस करते हैं सरकार में काम करने वाले जो नए नए बच्चे हैं ना, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो क्लर्क लगे हैं, चाहे सुपरवाइजर लगे हैं, चाहे क्लास 1 2 3 कोई लगा है, पहले वालों से अच्छे काम करते हैं, ये हमको पता है। और कोई शिकायत नहीं आती उनकी, नहीं तो पहले पैसे देते थे, वो कहीं ना कहीं निकालने भी थे, कहाँ से निकालते थे? पहले वाले पैसे दे के आते थे, निकालते कहाँ से थे? लोगों के जेब में से निकालते थे, रिश्वत खाते थे। आज का आदमी इन चीज़ों से दूर है, उसको भी पता है कि जब मेरा पैसा नहीं लगा तो मैं किसी की जेब से पैसे क्यों निकालूंगा। ऐसे हमने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, किसान की फसल पहले बिकती थी, पैसा किसके खाते में जाता था? पहले आढ़ती खाते में जाता था, आज किसके खाते में आता है? किसान के खाते में। किसान अपने घर में अपने कोई मकान बनाना हो या बेटी का ब्याह करना हो, आढ़ती के पास जाता था, भाई मुझे सामान दिलवा दे, वो कहता जा दुकानदार के पास चला जा, मैं पीछे दे दूंगा। हलवाई करवा दे, बोला हलवाई के पास चला जा, तेरा काम कराएगा, पैसे दे दूंगा। कोई मुझे कपड़ा खरीदना, बजाज की दुकान पास चला जा, दे दूंगा पैसा। वो पर्ची उसकी देख के भेज देता था, क्या लेना क्या देना उसको पता था। आज पैसे जब किसान के खाते में आते हैं तो आज हमारे उसी भाई के पास जब पैसे की कमी पड़ती है वो किसके पास जाता लेने के लिए? अगर उसको जरूरत पड़ती है तो किसके पास आता है? बैंक नहीं जावे, बैंक में तो जावे किसान, लेकिन अगर हमारे उस भाई को जिसको पैसे पहले आते थे अब नहीं आते, उसको जरूरत पड़ती है, किसके पास जाता है? वो किसान के पास जाता है। पहले किसान उसके पास जाता था, आज वो भाई हमारा दुकानदार आड़ती वो किसके पास? वो किसान के पास जाता, भाई कि हम पैसे पड़े हो तो दे। हो गए ना उल्टी चक्री? बोलो इस बात से अगर आप सहमत हो मेरी बात से तो जरा हाथ खड़े करके बताओ, मुझे ये चाहिए। मेरा आपका कोई और संबंध नहीं है, एक ही संबंध है कि राजकाज अच्छा है तो आप कहोगे सरकार अच्छी है, मोदी अच्छा है, मनोहर लाल अच्छा है। अब ये गीत मैं पीछे सुन रहा था, पिछले साल उन्होंने चलाया, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता था अभी मैं तो बोली बोल रहा हूँ, गाने भी बोल रहे हैं। अब इस बार उन्होंने गाना बढ़ा दिया कि नहीं मनोहर नहीं बोलेगा, मनोहर का काम बोलेगा, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो लोग अपने आप कहते हैं नहीं भी ये काम बढ़िया हो गया। तो जब इतना वातावरण अच्छा बनता है तो फिर हमने भी ये सारा चुनाव भाइयों ये आपके जिम्मे छोड़ दिया, अब मेरे जिम्मे नहीं रहेगा। मैंने तो काम करने किए, आगे भी करेंगे, जैसे पहले किए उससे ज्यादा करेंगे। पहले हरियाणा की सरकार में करते थे, अब मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है ना? तो भाइयों मैं तो इतना ही है कि आगे अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि टाइम हो गया, यात्रा शुरू करनी है। आपसे अपील कि आने वाली 25 मई को आप ज़्यादा से ज़्यादा और उस वोटिंग मशीन को एक बार बता दो कि भाई कमल के अलावा कुछ स्वीकार नहीं है हमें। वोटिंग जिस दिन गिनती खुले 4 जून को, मशीनें भी घबरा जाए कि कमल कमल कमल, ठीक है? बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ही असंध में करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल, और यहां से वो करीब 15 गांव में 55 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करेंगे। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार के कामकाज के साथ ही, अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही, गिनाने के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। करीब 10 से 12 गांव, करीब 15 गांव की बात आई है निकलकर। करीब 2 साल में पूर्व सीएम करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोहर लाल का रोड शो असंध हलके में गंगा टेढ़ी गांव से शुरू हो रहा है, निसिंग तक चलेगा रोड शो।
यानी 15 गांव का ये रोड शो है, 55 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा।